लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में आज महाराणा प्रताप को जयंती के अवसर पर याद किया गया। बीजेपी कार्यालय नेरुल में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की शूरवीरता का गुणगान करते हुए उनकी प्रतिमा पर आदरांजलि पेश की। इस अवसर पर बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय समेत तमाम पदाधिकारी और व्यापारी भी मौजूद थे। देखिए झलकियां। तुर्कों का और मुगलों का बहुत अच्छी तरह से सामना किया और इस तरह से उनको जवाब दिया कि वो मेवाड़ की भूमि और भारत की भूमि की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। पुराने वीर थे उनके जीवन के से सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू उदय हो रहा है, हिंदू 21वीं सदी या हिंदू सदी। बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने आज नेरुल पार्टी कार्यालय में महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई। उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारी, तमाम व्यापारी और नागरिक मौजूद थे। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें आदरांजलि पेश की। इस अवसर पर हिंदी भाषी नेता राजेश राय ने महाराणा प्रताप सिंह की शूरवीरता का गुणगान करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। आज हमारे वीर शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की जन्म उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में जो क्रम है प्रदेश से हमें आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नई मुंबई में जगह जगह पर कार्यक्रम लगाया जाए। हमारे जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरे जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने ये कार्यक्रम यहाँ पर नेहरू कार्यालय में रखा है और बड़े उत्साह से आज हर वर्ग के, चाहे राजस्थान की धरती के तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं उनके मेवाड़ से, लेकिन भारत के अलग अलग कोने से भी हर समाज वर्ग के लोग आकर महाराणा प्रताप जी के बारे में हमें बता भी रहे हैं। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और ये भी है कि अपने हिंदू समाज के, अपने योद्धाओं के बारे में हम आने वाले दिनों में अपने आने वाली जनरेशन को किस तरह उनके, मतलब कि जो गलत जानकारियां दी गई थी उनको हम सही करके बताएं, यही हमारा प्रयास है। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार का वातावरण सारे देश में चल रहा है, हिंदू उदय हो रहा है, हिंदू 21वीं सदी या हिंदू सदी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम सारा हिंदू समाज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और अपने अतीत के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हम महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अनेक महापुरुष योद्धाओं से हम निरंतर प्रेरणा लेते रहेंगे और इस प्रकार से हम अपने गौरव को प्राप्त करेंगे। अरब आक्रमणकारियों का इतना भयंकर जवाब दिया कि आने वाले 400 सालों तक अरब आक्रमणकारी जो तुर्क हैं, जो आज के मुसलमान हैं, उन्होंने कभी भी भारत भूमि की तरफ में आँख उठा के देखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद महाराणा कुंभा हुए, उन्होंने भी तुर्कों का और मुग़लों का बहुत अच्छी तरह से सामना किया और इस तरह से उनको जवाब दिया कि वो मेवाड़ की भूमि और भारत की भूमि की तरफ आँख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसके बाद में उसी का वंशावली से महाराणा सांगा हुए और महाराणा उदय सिंह जी हुए। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ और उन्होंने आजीवन मुग़लों के अत्याचारों का बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हुए और मुगलों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।